तो गोड्डा में भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि रामलला के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में तैयारी चल रही है, पूरे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घर और मंदिर में दीप जलाए एवं खुशियां मनाए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ जो कि आप मेरे आवास पे पहुंचे हैं। ये लगातार 8 दिन से हम लोगों का तैयारी चल रहा है। अयोध्या जी में रामलला का आगमन हो रहा है, उनके तैयारी में पूरे क्षेत्र में हम लोग घूम के वहां पे आने के लिए, अयोध्या जी आने के लिए सबों को निमंत्रण दे रहे हैं कि रामलला का आगमन हो रहा है, आप सभी वहां पे अयोध्या जी 22 के बाद आप लोग सब पहुंचिए। और ये सबों को ये चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह रामलला का आगमन हो रहा है, उस प्रकार सभी अपने घर में घर को सजाएं, घर को सुंदर सा, अपने अपने मंदिर में दीपक जलाएं, घर में दीपक जलाएं। राम जी का आगमन हो रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, पूरे देश आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। इसीलिए सबों को मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं इसी संदेश के साथ पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगा हूं कि राम मंदिर का आगमन हो रहा है, राम जी का आगमन हो रहा है। झोपड़ी में राम जी विराजमान थे इतने दिन से, आज उनका प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने सैन्य कक्ष में जो है वो पधारेंगे, इसीलिए सबको निमंत्रण दे रहे हैं।